नमस्कार आज ओडिशा विकास एपाक सेपाक को स्वागत करुच्छी संध्या विकास नुआ अध्याय लेखिपा को जाउछी मालकानगिरी आसंता काली लोकार्पित हेबो मालकानगिरी विमानबंदर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मालकानगिरी विमानबंदर रे अवतरण करी यहार शुभारंभ करिवे। 5G अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान मध्ये मुख्यमंत्री को सह उपस्थित रहिबे। परीक्षामूलक भावे विमानबंदर रे गतकाली अवतरण करथिला गोटिए विमान ट्रायल रन सफल होइतबा कहिसेंते विमानर मुख्य पायलट और डीजीसी अधिकारी एठाकर भित्तिभूमि और सुविधा को संतोष प्रकाश करिसेंते पायलट टीम। खूब शीघ्र मालकानगिरी रु यात्रीबाही विमान चलाचल आरंभ करिबो। 1600 मीटर रनवे थिपा मालकानगिरी एयरपोर्ट रे मध्यम वर्गर उड़ाजहाज अवतरण करि पारिबो बोले पायलट कहिसेंते। जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे बहुत ही खूबसूरत एयरफील्ड बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। सर और क्या प्रोसेस होगा सर, अभी जो ट्रायल रन का जो प्रोसेस है इसके बाद आगे? इसके बाद हम अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी विल टेक केयर। जो एज पर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज पायलट के लिहाज से अगर देखा जाए, सही सेट है? हां, एब्सोल्युटली सेफ एयरफील्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम। हां जी, मालकानगिरी एयरपोर्ट रे जार रनवे प्राय मोर देन 1500 मीटर्स 1.5 किलोमीटर अधिक अच्छी से ट्रायल लैंडिंग प्लांट थिला और से सक्सेसफुली कंप्लीट है छी। पायलट्स रो रेस्पॉन्स भी जोटा थिला पॉजिटिव थिला, दे आर वेरी हैप्पी विद द रनवे और हमें आशा करू छु खूब शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री आसिके इनॉग्रेट करबे। सेटा पाखा पाखी एमती अच्छी कि 9th कोई हमें ऑनरेबल सीएम आसिबे। हमरो मालकानगिरी जिला वासिंग पई यह एक आज गुटी माने गुटे आनंदमय खेली जाई छी एवं जिला वासिंग मन रे खुशी लहरी खेली जाई छी। आउ मालकानगिरी जिला वासिंग कर बहु वर्षर स्वप्न साकार हेई छी। मालकानगिरी जिला वासी उड़ाजहाज तांको निकट रे देखिबा संगे संगे से उड़ाजहाज रे बसी निश्चित उड़ी पारिबे बोली स्वप्न जो देखुतले ता निश्चित भाव रे साकार हेबो। आसंता 9 तारीख दिन माननीय मुख्यमंत्री मालकानगिरी निकट तैयारी होता एयरपोर्ट को लोकार्पण करेंगे, तेणु से उद्देश्य से आज विजु जनता दल एवं सरकारी समस्त सरकारी ऑफिसर माने एठारे आज ट्रायल शो आसी उपस्थित रही आशा करूँगी। हम जो 30 नंबर जिला भाव ओडिशा रे परिचित होता मालकानगिरी जिला एक इतिहास सृष्टि हे। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती मालकानगिरी गोपीकृष्ण पटनायक। गोपीकृष्ण, विकास नुआ अध्याय लेखा जाऊँगी मालकानगिरी आसंता काली लोकार्पित हम मालकानगिरी विमानबंदर और ए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करकमल उद्घाटन कर 5G अध्यक्ष वीके पांड्या उपस्थित रहिबे। वर्तमान महल के भले देखुं जिलावासी मध्य केते उत्साह देखा मिलूँ निश्चित भाव संध्या कहीपरिया एक नूतन अध्याय सृष्टि करने को जाऊँगी मालकानगिरी जिला। ये जो माओवादी गड़ जो कहा जाता एकदा यठार चारिचकिया वाहन आसवा को 5 घंटा रु 6 घंटा लगुला 100 किलोमीटर किंतु एबे संपूर्ण बदली जा जिलार मानचित्र वर्तमान माओवादी जो आतंक निश्चिंत जो है वर्तमान आ पूर्व आतंक नहीं विकास नुआ गति देखी मालकानगिरी जदि कहीपर गुरुप्रिया सेतु विकास प्रथम सोपान थिला वर्तमान 50-50 वर्ष धरी जो माने जलबंदी थिले सेमाने वर्तमान माने मुख्य स्रोत सामिल होती जोगाजोग हो पारी भंगा दरदरा डंगा जो मानकर सहारा थिला सेमाने आज चारिचकिया एवं दुईचकिया गाड़ी रे आसी पारुछंती। तबे वर्तमान कथा जदि कहिबा एयरपोर्ट वर्तमान गत काली यार ट्रायल रन हेची एवं आसंता काली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यार शुभ उद्घाटन करिवे। जिलावासी एक नूतन अध्याय देखिवे नूतन विकास रो सूर्य अस्तु उदय हेची बोले कहिले चले। प्राय 50 कोटी रु ऊर्ध टंका रे निर्मित होई रनवे प्रथम पर्यायर यह भुवनेश्वर को वर्तमान विमान चलाचल करिबो। परवर्ती अवस्था रे विशाखापाटना एवं जो रही आपणकर हैदराबाद मध्य विमान जीवार वर्तमान आम विमान बदर निकट रे अछु। मु कहिबि आमर वीडियो जर्नलिस्ट भाई को देखेबे किभली भली परिस्थिति रही आज वर्तमान टुकुनी साहू पहुँची चंती वर्तमान पहुँचिए
जो विभागीय मंत्री पहुंचती एवं लोकों मध्य संपूर्ण आनंद एवं उत्साह देखा देछि। जदिबा ट्रेन चलाचल वर्तमान सुधा जिले में आरंभ होइने ही प्रकल्पटी अधा पांतियारे रहिछि। सही ट्रेन प्रकल्प पूर्वरु वर्तमान विमान चलाचल होइछि। गतकाली बहुत आनंद एवं उत्साह सहित जिलावासी ट्रेन रन रे विमान को स्वागत करथिले। जो रहिछि दमकल बाहिनी पक्षरु स्वतंत्र भाव रे जल अर्पण करा जायतिला एवं जल शो वाटर शो करा जाय। वर्तमान सही जो रहिथिला जो विमान को वर्तमान गतकाली ताकु स्वागत करा जायतिला एवं पायलट को जहा कहिबा कथा रनवे रो जो मान उत्कृष्ट होती एवं निश्चित भाव जो मध्यम धरणर विमान चलाचल निमंते जो रनवे टी संपूर्ण फिट एवं संपूर्ण फिटनेस सर्टिफिकेट मध्य निश्चित भाव में कहीपर आम सहित जिलार किसी वरिष्ठ जो रही जो मैंने 30 वर्ष धरी जो ऊर्ध जो जिलार माओ आतंक देखी थे वर्तमान आज कौन रही आसतु सीधा साल पचारि बुझा रत्नाकर दास अच्छा अंचल कटिगला वे विकास नुआ अध्याय लिखा जाऊँ। मलकानगिरी आसंता काली लोकार्पित हो मलकानगिरी विमान बंदर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मलकानगिरी विमान बंदर में अवतरण कर यार शुभारंभ करेंगे और 5G अध्यक्ष वीके पांड्यान रही जहाँ सूचना रही। तेज परीक्षामूलक भाव विमान बंदर गत काली अवतरण कर गोटे विमान ट्रायल रन सफल होता कहते विमान मुख्य पायलट और डीजीसी अधिकारी एठाकार भित्तिभूमि सहित पुणी जोड़े रही गोपीकृष्ण पटनायक। गोपी आपण जो भाव में सूचना दौले कि 106 हेक्टर जमीन निर्मित विमान बंदर 1620 मीटर रनवे प्रस्तुत रही जो मलकानगिरी जिले में जो पछुआ वर्ग रही जाते वर्तमान ट्रेन प्रकल्प देखा किए पहुँची पारना कि पूर्वर ए विमान उड़ाण भर ए खुशी लोक भितर अच्छी तेज आप प्रतिक्रिया नौले लोक मान कि उत्साह सहित उद्दीपना सहित काली को अपेक्षा कर निश्चित भाव देख आम सहित अच्छे मलकानगिरी जन बुद्धिजीवी अच्छा जी दीर्घ वर्ष धरी ए अंचल जो जो देखी थे माओ दमन देखी थे ये साहित्य जो रही आम रत्नाकर दास रही आसन सीधा साल सहित आलोचना करवा सी प्रकृति कौन विकास चित्र देखी बर्तमान रत्नाकर दास स्वागत करीबी को कौन देखी आप विकास चित्र धन्यवाद मुझे स्वागत कर जिलावासी स्वागत जनाऊँगी। यह एक आम जिलावासी बहुत खुशी खबर आदिवासी अधिष्ठित माओप्रवण मलकानगिरी जिला जोटा कि अपहंच जिला भाव आगुरी परिचित थिला एबे से जिला अपहंच हो रही ना कि 30 नंबर जिला हो रही ना सब क्षेत्र में 1 नंबर हवाक आगे चली गोटे सोपान बर्तमान मलकानगिरी जिला आग को जा उड़ाण क्षेत्र में मलकानगिरी जिले में प्रथम थर कर गत काली आमर ट्रायल रन होता एवं उड़ाजहाज अवतरण कर आदिवासी अधिष्ठित मलकानगिरी जिलावासी मन में बहुत खुशी लहरी खेली जाइए केवे भी से भाव मलकानगिरी आकाश में से मैंने उड़ाजहाज देखिए आड़ाजहाज बसवार सौभाग्य ने जामर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री उद्यम क्रमे यही एक पछुआ जिले में उड़ाण व्यवस्था करद्वारा मलकानगिरी जिलावासी केवल उपकृत हे ना आमर जिला को लगी रही आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ आ तेलंगाना राज्य तीनोटी राज्यर यह एक संगम स्थल तेणु मलकानगिरी जिला जो जो एयरपोर्ट टी रही केवल सरकारी स्तर में कार्यकारी करान जा केवल सरकार नेता मंत्री उड़ाण व्यवस्था करान जा साधारण नागरिक व्यवस्था करवा उचित एवं कमर्शियल प्लेन पकेबा दरकार आउ एई जो जिलाटे रही आम ओडिशा बहुत दूरतम जिला भाव परिचित आउ सीमांतवर्ती जिला भाव परिचित तेणु यही जिलार वाणिज्य क्षेत्र में
विभिन्न क्षेत्र में निश्चित भाव में अग्रगति घटिबो ये जो एयरपोर्ट प्लेन चलाचल होगा द्वारा आउ गोटे कथा मालकानगिरी जिलार जो गुरुतर रोगी मैंने रही था साधारण तो विशाखापाटना आउ आमर भुवनेश्वर कटक ब्रह्मपुर को जाने गाड़ी जाऊ जाऊ बाटर निश्चित से जो गुरुतर रोगी मृत्यु होता है कि जो प्लेन पड़ा द्वारा से गुरुतर रोगी जीवन पाइबे भल भाव चिकित्सित हो आसीपारे जो एकदा मालकानगिरी जो आम देखीचु यही मालकानगिरी को देखीचु माओ माओ गड़ भाव परिचित थिला समस्त मालकानगिरी कहले गोटे भय थिला माओवादी भय आउ जोटा कि आमर दिन मानते तीन टा आ चारिटा पर ताटी कबाट पड़ जाता आगुरी जोटा कि आमर साधारण चारिचकिया जान टे चलाचल करने को भय करूला पादे पादे विपद थिला आउ से विपद एवं ना माओवादी निश्चित भाव में दबदबा कमी आर्भय लोक मैंने बर्तमान गतागत करोटा कि आमर जो मालकानगिरी जो भावती सब अवहेलित तीस नंबर जिला भाई ता मानने गोटे उदाहरण देखी जोटा कि नुआ बर्ष मुख्यमंत्री भेटी मालकानगिरी जिलावासी रही उड़ाजहाज आउ के भी भाव नो जिलावासी आम उड़ाजहाज देखू आ उड़ाजहाज बसबू कि स्वप्न सफल होगा जाऊँगी निश्चित भाव संध्या शुणुले तेज आम सहित आज किसी जुव समाजसेवी अच्छा अशोक मिश्र आसत सीधा साल पचार बुझा कौन रही अशोक बाबू आप देखी थे अंचल माओवादी चराभूमि था विकास शह शह कोश दूर थे एवं विकास आँ कह देखु निश्चित रूपए मालकानगिरी जो चित्र आम देखी थी पिला बेले से चित्र बर्तमान संपूर्ण बदली जाइए जदि कह विशेषकर राज्य सरकार जो प्रयास रही है जे मालकानगिरी जिला को तीस नंबर जिला एक नंबर जिला को आनबू विकास लंच पैड कर राज्य सरकार ये सब प्रकल्प जब आम देखा देखो प्रति प्रकल्पर शुभारंभ कह मालकानगिरी जिला रोचे तेनाली निश्चित रूपए राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री कही विकास लंच पैड हो मालकानगिरी निश्चित रूपए मुझे बार्ता चाहिए यू जो मुख्यमंत्री बार्ता को निश्चित रूपे ये स्वागत करूँ आम जिलावासी कारण विकास लंच पैड भाव में विभिन्न प्रकल्प आरंभ होता आज मालकानगिरी जिलावासी जहाँकि आम गोटे बड़ समस्या थिला आम पाखे ट्रांसपोर्टेशन जो जीवासियापाई कौन माध्यम नाला केवल जदि आम कह सड़क पथर एकमात्र माध्यम सड़क पथ व्यतीत आम पाखे कौन माध्यम नाला जातायात करने कि बर्तमान मालकानगिरी जिलार लोक जो तीस नंबर जिला को आउला पछुआ जिला को आउला सेठिकार लोक घंटाटे समय दे बर्तमान मालकानगिरी सतश किलोमीटर दूर जो रही भुवनेश्वर भुवनेश्वर राज्य राजधानी जा पहुंची पारे निश्चित रूपए ये जो एरोप्लेन सेवा आरंभ हो मोर तो आशा रिलावासी आशा रही केवल भुवनेश्वर से सीमित रही है आमको जो पाखापाखि रोचे यू आप धरी नि विशाखापाटना हो छत्तीसगढ़ हो आंध्र हो विभिन्न स्थान जोटी को मालकानगिरी बहुत लोक नीतिदिन आप देखुए मालकानगिरी जिलूर प्रतिदिन पांच रु छ बस बाहर राज्य को जाऊँ जोटा कि आम पड़ोसी राज्य भाव रही छत्तीसगढ़ हो आंध्र हो तेणु ये सब राज्य को ये जो विमान सेवा आसिले से विमान सेवा जदि से ही राज्य गुड़िकोग कर एक्सटेड हो पारे निश्चित भाव जिलावासी आहरी अधिक उपकृत हे आ गोटे कथा यहाँ कह निश्चित रूपए कह मालकानगिरी जिलार विकास गोटे बड़ मूलदुआ हम ये एरोप्लेन तथा विमान बंदर कारण देखो जो प्रकार विकास आसी मालकानगिरी जिले में मालकानगिरी जिला बर्तमान गोटे बिजनेस हब हाँ जाऊँच आपड़ जब देखिए छत्तीसगढ़ आंध्र मझे रही मालकानगिरी जिला तेलंगाना सीमावर्ती अंचल जेहेतु तेलंगाना छत्तीसगढ़ एवं आंध्र ये सब अंचल लोक नीति प्रतिदिन मालकानगिरी को जीवासवा कर मालकानगिरी लोक नीति प्रतिदिन जीवासवा रोचे बिजनेस को लेकिन तेणु जो एरोप्लेन सुविधा मिल जाए बिजनेस प्रक्रिया आहरी त्वरान्वित हम जिला आहरी आगे बढ़ो तेणु निश्चित रूपए आम राज्य सरकार जो प्रक्रिया रही जो प्रकल्प कर निश्चित रूपए आम धन्यवाद देवु और आशा रखू आगामी दिन में खूब शीघ्र आहरी अन्न्य व्यवस्था मालकानगिरी जिले में पहुंचे जदि आम कह आज को पंद्रह वर्ष तले मालकानगिरी जिले में जो प्रकार कहते गोटे बस जाऊला राजधानी को आमको जीवापाई प्राय चौबीस घंटा समय लगुला बर्तमान किंतु आम कि मिनिट जदि कह षाठी मिनिट रू भी कम समय मध्य आम मालकानगिरी राजधानी में जा पहुंची पार तेणु यहाँ बड़ सुविधा सात महला विशिष्ट आम पाखे रही अत्याधुनिक मेडिकल जोटा कि ओडिशा में खूब कम रही भाया मेडिकल तेणु निश्चित रूपए राज्य सरकार फोकस रही मालकानगिरी आम सब खुशी व्यक्त करूँ राज्य सरकार प्रयास आगामी दिन में आहरी विकसित हम बोली आमर आशा रही आउ गोटे बड़ जिनस कह देखु
स्वाभिमान अंचल जोटा रही मलकानगिरी जिलार सब चर्चित स्थान रही पूर्वर जो आम कह विच्छिन्न अंचल थी भी चर्चित बर्तमान स्वाभिमान अंचल घोषणा पर चर्चित से स्वाभिमान अंचलवासी जो विमान बंदर गोटे बड़ भेटी कारण देखो जो सात दशंधि लोके मोटरसाइकल सेवा पाई पारे बोट रेतायात करुले से स्थान लोके आज एरोप्लेन रेवा पाई यु बड़ कथा कि ना जदि कह जो मोटर बोट रे लोक निजर गर्भवती स्त्री को खटिया बोहिक आणुले से भाया स्थान में बर्तमान पक्का रास्ता पहुंची विकास गोटे गोटे पहाच से देखुं निज हाथ में मोबाइल धरुँ तेणु बर्तमान जेहतु एरोप्लेन आसी जाइए से मन में खुशी द्विगुणित हो निश्चित से एरोप्लेन सेवार बहुत विशेष लाभ उठे बोली आम आशा रही निश्चित भाव संध्या शुणुले लोकों प्रतिक्रिया शुणुले बहुत उत्साहित तो रही जेहेतु मु पूर्व जहाँ कहती जो मलकानगिरी कहले माओवादी गड़ को बुझाऊला जो विकास अपहंच रही से भली अंचल वर्तमान विकास जो नुआ सोपान आरंभ हो विमान सेवा आरंभ हो जो आज स्वप्न थी जिलावास गोटे कथा मु कह संध्या ये दस पंद्रह वर्ष पूर्वे कथा जी कह माओवादी जो आतंक राज रे मलकानगिरी थरुला से समय रे राज्य एवं केन्द्र सरकार मिलित भाव में माओ दमन नीति आरंभ करते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अंचल पहुंची थे एवं धीरे धीरे माओ आतंक कमिबार लगी बेले साइमल्टेनियसली आपणकर विकास प्रक्रिया आरंभ होता तेज श्रेय निश्चित भाव में जीव बीएसएफ एवं पूर्वर जो जिलापाल मैंने रही विनील कृष्णा कथा कहतु जी कि निज जीवन को पानी छड़ाई माओवादी द्वारा अपहरण होते दस दिन रही माओवादी कबल में मुक्ति पाई बहु चुक्ति विनील कृष्णा को छड़ा जाता एभली आतंक मलकानगिरी परवर्ती अवस्था बलवंत सिंह जिलापाल आसते दुई चार जन जिलापाल यही अंचल विकास जो नक्सा प्रस्तुति करते आज वर्तमान निश्चित भाव रूपरेख नहीं जो नक्सा करते जो पूर्वतन जिलापाल मान कथा कह कि बीएसएफ कथा कह पूर्वतन एसपी कथा कहा जाऊ मित्रभानु महापात्र अनिरुद्ध सिंह एभली बहु वरिष्ठ एसपी गुड़िक यही अंचल माओ दमन प्रक्रिया रे शामिल होगा पर पूरा यह अंचल किभली विकास हो पार जहाँ आम कहते जो युव समाजसेवी अशोक मिश्र कहते सात ताला विशिष्ट जो रही मेडिकल कथा जी कह गुरुप्रिया कथा कह मलकानगिरी जो इतिहास रे नुआ फर्द जोड़ी जाइए निश्चित भाव आम मुख साक्षी हो रही यही जो विकास को संध्या तेबे गोपी ये तो गला जो विकास रो धारा पहुंचाई पारिछंते राज्य सरकार मलकानगिरी जिला रे एवं लोक मानक मधे अनेक उत्साह आम भी देखी पारुछु कारण जोठे जे समाजसेवी कहुथिले कि जोठे लोकं को बुहाई के आणा होतला कि कार देह खराब हेले सेठी उड़ा जहाज चलब एक गोटे गोटे उड़ाण भरब पूरा राज्य राजधानी को देखा आसंता काली कथा देखा कि बर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को किपर रखा जाए तेणु का जेहेतु विमान बंदर शुभ उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निश्चित भाव संध्या देखा जदि कह मलकानगिरी जिलार प्राय सदर महकुमा पांच किलोमीटर दूर रही विमान बंदर कि आम बर्तमान विमान बंदर निकट रही रही सका सका प्रशासनिक अधिकारी मैंने आसंता का कार्यक्रम बर्तमान संपूर्ण प्रस्तुत होती आप देखिपारे जो वरिष्ठ अधिकारी मैंने पहुँचुंट जदि कह जो आपण परिवहन मंत्री टुकुनी साहू ठार आरंभ कर बर्तमान देखुवे समस्त प्रकार व्यवस्था जबरि सुरक्षा व्यवस्था कथा जदि कह को मु कह मोर वीडियो जर्नालीस्ट को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो रही से माने आज ठारे सुरक्षा व्यवस्था निम्ते नियोजित होती ओडिशा पुलिस कथा जदि कह प्राय रही प्राय दुईटी जो रही दुई दुई प्लाटून फोर्स नियोजित एवं जो राजनीति नेता जदि कथा कह आज ईश्वर पाणिग्राही ठार आरंभ कर बॉबी दास जी रही विधायक रही जाजपुर से
पहुंची जाइछन्ति मालकानगिरी को एवं विशेष करी काले आसंता काले जो रहिछि प्राय 5000 जो लोकों को मात्र जो रहिछि सीमित लोकों को मध्य रे आसंता काले जो इनॉग्रेशन करिवा पई वर्तमान प्राय 11टा टू 11:30टा मध्य रे मुख्यमंत्री एवं 5टी सचिव वीके पांडियन पहुंचिवार कार्यक्रम रहिछि प्राय अर्ध घंटा कार्यक्रम रहिछि किछि उद्बोधन देबे मुख्यमंत्री जिलावासी को उद्देश्य रे एवं शुभ उद्घाटन करिवे एयरपोर्ट की तबे गुटे कथा मु कहिबि संध्या ट्रायल रन सरिछि गतकाली एवं जो जोगाजो कथा जो कोआ जो परिवहन व्यवस्था कथा जदि कहिबा माउ आउ 4 टू 6 मास मिनिमम लागि पारे जेहेतु जो एयर इंडिया रो जो अनुमति संपूर्ण ए पर्यंत मिली पारी नहीं प्राय 7-8 मास निश्चित भाव लागिवार आशा करा जाउची जदिबा प्रशासनिक स्तर रे निर्वाचन पूर्वरु या आरंभ होबो बोली सूचना देइची किंतु जो रहिची जो व्यवस्था को जो आनुषंगिक सुविधा सुविग अन्य अन्य जो फॉर्मेलिटीज जो रहिची विमान उड़ाण जो पाई ताहा वर्तमान संपूर्ण होई पारी नहीं ताहा पूर्ण हेबा परे ही वर्तमान आमे चलाचल आरंभ होबो बोली गतकाली जहा जो विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि संध्या श्री गोपी कृष्ण किछि विभाग विभागीय अधिकारी जे रहिछन्ते मुख्य पायलट एवं डीजीसी अधिकारी गतकाली एकटा ट्रायल रन करितले एवं सा सफल भाबरे अवतरण करि परिछि देखिबा कि जो मुख्यमंत्री जो स्वप्न देखथिले वर्तमान वास्तव रूप नेबाकु जाउछे किंतु विकास रो आउ किछे रही जाय छे बाकी जोथि पाई के मालकानगिरी जिला बसे सीधा सड़क जो कोंतिना राज्य राजधानी को जोगाजो करि पारिबे ये तो गला उड़ा जहाज रो कथा आउ किछे विकास रो धारा रही जाय छे अधा ना एडी पुनछत पड़ जाय छे निश्चित भाबे कहि जाय छे रही जाय छे संध्या विकास तो वर्तमान सुधा जदि आमे कहि पारिबा एयरपोर्ट रो कार्य संपूर्ण होई पारी नाही जो आनुषंगिक अन्यान्य कार्यक्रम रही तेबे आहुरी गोटे सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा शिक्षा व्यवस्था रे एही पर्यंत मालकानगिरी रे सुधार आसी पारी नाही मुख्यतः जो रही बीडी कॉलेज टी आज पर्यंत कार्यक्रम हो पारि नै कोटी कोटी टंकार भवन निर्माण करा जायछि बीडी कॉलेज निमते भित्ति भूमि प्रस्तुत होईछि तथापि मध्य एही अंचल रे वर्तमान बीडी कॉलेज आरंभ होई पारि नै जोठी पई जो शिक्षा पई लोक माने जाउछन्ति बाहर को तबे मालकानगिरी जो महाविद्यालय रहिछि ताहा मध्य 40 वर्ष रो उद्यो हलाडी निर्माण होई सरकारी भाबरे स्वीकृति पाई नाही एवं बीएससी जो रहिछि सेही कॉलेज मध्य वर्तमान आरंभ होई नै सरकारी भाबरे जदिबा चित्रकुंडा को एक कॉलेज डिग्री कॉलेज देबा पई सरकार किछि दिन तळे घोषणा करथिले आलोचना करथिले केमळ भाबरे विमान उड़ाण करिवो आसंता काली एवं एथरे जोगाजोग रे राज्य सरकार गुटे स्वागत योग्य पदक्षेप ग्रहण करिछंती किंतु देखिबा कि बालकानगर यदि विकास देखिबा जो 30 नंबर जिला रे रहतला एबे 1 नंबर जिला करबा पई राज्य सरकार एवं सठाकर बासिंदा माने जो प्रभाव प्रचेष्टा करिछंती ताहा निहाती भाव रे एक इतिहास रचिबो बहुत बहुत धन्यवाद गोपी कृष्ण आपनकर तमाम सूचना पई।